हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी में एक न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म पढ़ने कब से स्टार्ट होंगे। दोस्तों यहाँ पर 1-2 हजार नहीं, 10-20 हजार नहीं, 1,30,000 पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिस जारी हो चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे, तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो निकाले गए हैं वो 1,29,929 पोस्ट यहां पर निकाले गए हैं, जिसमें मेल के 1,25,262 पोस्ट और फीमेल के 4,067 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आपने अगर सिंपल 10th पास कर रखा है आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, सिंपल 10th पास। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल, और यहाँ से एज में आपको रिलैक्सेशन, एज में आपको छूट भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की एज में छूट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इसका एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। आप लोगों का डाउट होता है ना कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जीके एंड जीएस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। टोटल यहां पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के हर क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसमें दोस्तों माइनस मार्किंग 1/4 रहेगी, और इसमें समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन 200 मार्क के, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/4, अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर यहां पर माइनस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस आप ध्यान से समझिए। आप लोगों का एक और डाउट होता है किसमें पहले फिजिकल होगा या रिटेन होगा, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी में, तो दोस्तों यहाँ पर मेल कैंडिडेट की जो हाइट मांगी गई है ना वो 1.70 सेंटीमीटर, और फीमेल की हाइट की बात करें तो 1.57 सेंटीमीटर, और यहां पर चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट मांगा गया है वो 80 सेंटीमीटर और प्लस में 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। फीमेल का यहां पर कोई चेस्ट नहीं मांगा गया है। रनिंग की बात करें तो रनिंग जो होगी ना वो मेल कैंडिडेट की 5 किलोमीटर रनिंग होगी 24 मिनट में, और फीमेल की यहां पर 1600 मीटर रनिंग होगी 8.5 मिनट में। ये यहाँ पर फिजिकल हो गया है। अब बात करते हैं इसका फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों मैं आपकी सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये उसका ऑफिशियल नोटिस, ये दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं नई दिल्ली बुधवार 5 अप्रैल 2023 का ये ऑफिशियल नोटिस है, आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हम आपको कुछ इसमें से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आप यहां पर देखिए केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम धारा 1969 की धारा 18 द्वारा प्रदर्श शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यहाँ पर देखिए साधारण ड्यूटी यानी साधारण जनरल ड्यूटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें तमाम जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टेबल साधारण ड्यूटी यानी कॉन्स्टेबल जीडी, टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 1,29,929 पोस्ट आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें मेल के 1,25,262 पोस्ट और यहां पर देखिए फीमेल के 4,067 पोस्ट आप यहां पर देख सकते हैं, और सैलरी भी आप यहां पर देख सकते हैं 21,700 से 69,100 रुपये प्रति मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें तमाम जानकारी दी गई है, इन्हें आप पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया ना, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। तो दोस्तों आपने ऑफिशियल नोटिस देख लिया ना, अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई कब से होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि इसकी जब नोटिस जारी हो चुका है तो उसके फॉर्म भराने भी स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपका अक्टूबर में इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएं या नवंबर में हो सकता है। तो दोस्तों आपको अभी से तैयारी में लग जाना है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी स्टार्टिंग में 21,700 से 69,100 रुपए प्रति मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है।
तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।